खबरें देखिए सुपर फास्ट अंदाज में। यूपी के अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी, कहा सत्ता में आने पर आपकी प्रॉपर्टी और सोना लोगों को बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, जांजगीर चांपा में जनसभा को करेंगे संबोधित, शाम 5 बजे धमतरी में करेंगे चुनावी जनसभा, 24 अप्रैल को अंबिकापुर में होगी प्रधानमंत्री की रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी ने देश से खत्म किया नक्सलवाद, 2 साल में छत्तीसगढ़ से भी होगा सफाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक कदम, एएमयू में पहली बार महिला बनी वाइस चांसलर, प्रोफेसर नईमा खातून संभालेंगी पदभार। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी का संकल्प पूरा होकर रहेगा, अगले 5 साल तक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा। दुर्ग के बाद जेपी नड्डा का चंदखुरी दौरा, जनसभा को किया संबोधित, बोले एक तरफ पीएम भ्रष्टाचार को हटाने की करते हैं बात, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वाले भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सियाचिन दौरा, राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों को संबोधित करते हुए कहा दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग होना चाहिए भारत के रक्षकों के नाम, पर्व त्योहार पहले सियाचिन की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए। लोकसभा चुनाव में खुला बीजेपी का खाता, सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए, जीत के बाद मुकेश दलाल ने अपना विजयी प्रमाण पत्र किया प्राप्त। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने झोंकी अपनी ताकत, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने केरल के मलप्पुरम में किया रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सामने आई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया, कहा जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है वो ऐसी बातें ही करता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम सब कुछ झूठ बोलते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातों को तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस परिवारवाद का प्रतीक है, कांग्रेस का काम सिर्फ तुष्टिकरण करना है। कांग्रेस सांसद और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर चुनावी प्रचार में जुटे, अपने समर्थकों के साथ डांस करते नजर आए शशि थरूर। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 38 उम्मीदवारों की लिस्ट, सिरकाकुलम से अंबाती कृष्णा राव, बोबीली से मरिपी विद्यासागर को बनाया गया प्रत्याशी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जनसभा को किया संबोधित, बोले अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, अब ब्रज भूमि की बारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा नीतीश कुमार से बुलवाया जा रहा है परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं, बिहार की तरक्की और विकास की बात होनी चाहिए। दक्षिण बेंगलुरु से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस की तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति की कीमत अब तक देश चुका रहा है, अब कांग्रेस को सबक सीख लेना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलापुझा में लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल के पक्ष में किया चुनावी प्रचार। पीएम के भाषण पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दी प्रतिक्रिया, कहा पीएम के भाषण से लगता है कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक घुसपैठ। पीएम मोदी के कांग्रेस के घोषणा पत्र को माओवाद को बढ़ावा देने वाला घोषणा पत्र बताने पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया पलटवार, बोले पीएम हार के डर से बौखला गए हैं, गहलोत ने कहा घोषणा पत्र पर लगाए आरोप करें सिद्ध, पीएम का ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शोपियां में की जनसभा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने वाले दे रही बयान, अलग अलग धर्मों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। हुबुली हत्या मामले पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खड़गे ने दिया बयान, बोले हमने कानून के अनुरूप सभी जरूरी कदम उठा लिए, बीजेपी सिर्फ समाज को बांटने का करती है।
कर्नाटक के कलबुर्गी में हुबली कॉलेज की छात्रा की हत्या पर बीजेपी नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल को जेल में दवा और इलाज न मिलने के मामले में बोले संजय राउत, मुझे भी नहीं मिलता था जेल में इलाज, मानवता के नाते उन्हें दी जानी चाहिए इलाज की पर्याप्त सुविधा। राउत ने पूछा, क्या केजरीवाल की हत्या करना चाहती है सरकार। गायिका उषा उथुप को मिला सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गायिका उषा उथुप को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से किया सम्मानित। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी उनकी एक्टिंग के लिए किया गया सम्मानित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से किया सम्मानित। पद्मा सुब्रमण्यम को भी कला के क्षेत्र में उनके काम के लिए मिला सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से किया सम्मानित। तमिलनाडु के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव में से एक चित्रई में उमड़ी भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़, दो सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव में लाखों लोग मीनाक्षी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज भी मीनाक्षी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, श्रीनगर में 9 ठिकानों पर छापेमारी, आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के शक में अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी के घर पर भी हुई छापेमारी। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा हो रही वोटिंग, पहले चरण में हिंसा के कारण चुनाव आयोग ने लिया था दोबारा चुनाव कराने का फैसला, कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है मतदान। अर्थ डे के मौके पर इसराइल के एम्बेसडर नाउर गिलोन दिल्ली के मोती बाग सरकारी स्कूल पहुंचे, स्कूली छात्रों के साथ किया पौधारोपण, प्रकृति को सुरक्षित रखने का किया अनुरोध। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बेमौसम बारिश से बढ़ी मुश्किलें, तेज हवा और बारिश से किसानों को हुआ भारी नुकसान, खेतों में खड़ी फसल बारिश से हुई बर्बाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव में झोंकी अपनी ताकत, मध्य प्रदेश के उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव ने किया रोड शो। उज्जैन में बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने दाखिल किया नामांकन, विशाल रैली निकालकर पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया पलटवार, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताना पड़ेगा कि उनके इतने साल सांसद होने के बावजूद भी शिवपुरी गुना क्यों है कुपोषित। रायपुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, 500 से ज्यादा पुलिस के जवान रहेंगे तैनात, शहर के अलग अलग इलाकों में जवानों को किया गया तैनात। देवास में शाजापुर लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने दाखिल किया नामांकन, रैली में हजारों कार्यकर्ता रहे मौजूद। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह ढोल मंजीरा बजाते आए नजर, चुनाव प्रचार के दौरान राम भजन पर डांस करते दिखाई दिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलोद जिले का किया दौरा, साहू समाज के जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव और आदर्श विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात पर बोले चुनाव प्रभारी नितिन नबीन, 11 सीटें जीतने का मिला गुरु मंत्र, ऐसा मार्गदर्शन हमारी जीत के लिए बहुत जरूरी। तीसरे चरण के चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे जांजगीर चांपा का दौरा, बिलासपुर में राहुल गांधी करेंगे चुनावी प्रचार। अंबिकापुर में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो का दिखा अनोखा अंदाज, शादी समारोह में दुल्हन को नचाते नजर आए विधायक रामकुमार, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला का छत्तीसगढ़ दौरा, राजनांदगांव में करेंगे जनसभा, प्रत्याशी भूपेश बघेल के पक्ष में करेंगे प्रचार। रामनिवास रावत की नाराजगी दूर, दिल्ली आलाकमान ने फोन पर बातचीत कर सुलझाए मतभेद, रामनिवास के पार्टी छोड़ने के लगाए जा रहे थे कयास। महासमुंद के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, पक्की सड़क न बनने से गांव के लोगों में आक्रोश, समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने सीएम विष्णुदेव साय को सौंपा ज्ञापन। पीएम मोदी के आगमन के लिए सज गया भोपाल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अधिकारी हर स्तर की तैयारियों का ले रहे जायजा। भ्रष्टाचारियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया की दो टूक, मीडिया वार्ता में बोले भ्रष्टाचार या अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं होगा, अमरजीत छाबड़ा पर हुए जानलेवा हमले का भी जताया दुख। इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का जनसंपर्क अभियान, घर घर जाकर लोगों से कर रहे हैं मुलाकात, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी जनसंपर्क में हुए शामिल। रीवा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने की अनोखी पहल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदान करने की करेंगे अपील, 26 अप्रैल को होगा दूसरे चरण का मतदान।
ग्वालियर में होटल के लिफ्ट में दो बच्चों के फंसने से मचा हड़कंप, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। होटल स्टाफ ने करीब 2-3 घंटों में लोगों को लिफ्ट से निकाला बाहर। जांजगीर चांपा में अधिकारियों से गाली गलौज करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के कार को भी किया जब्त। बदमाशों ने चुनाव ड्यूटी के दौरान एसएसटी की टीम से की थी मारपीट। छत्तीसगढ़ के कोरिया में लूटपाट का मामला आया सामने, पालतू जानवरों को खरीदकर घर लौटते समय युवक से हुई लूट, युवक की भैंसों को लेकर फरार हुए आरोपी, पीड़ित मदद की गुहार के लिए भटक रहा दर-दर। इंदौर के मऊ पटाखा फैक्ट्री में हादसे में घायल हुए युवक की मौत, बाकी घायलों की हालत बताई जा रही है नाजुक। मरवाही जंगल में हाथियों के आतंक के बाद भालू का दिखा मूवमेंट, वन विभाग ने गांव के लोगों को किया सतर्क, अब तक किसी के हताहत की नहीं है खबर। रीवा में शादी समारोह में हुई अनोखी पहल, दूल्हा दुल्हन समेत शादी में आए सभी मेहमानों ने ली नशे से दूर रहने की शपथ। सुकमा में नक्सलियों को लगा बड़ा झटका, कई नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, कोंटा एरिया कमेटी के सदस्य बेटी भीमा ने भी किया आत्मसमर्पण, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सभी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। कान्हा नेशनल पार्क में पर्यटकों को बाघिन और नन्हे शावकों का कराया गया दीदार, बाघिन और शावकों के नजारे को लोगों ने कैमरे में किया कैद, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। मध्य प्रदेश में लोगों को मिली गर्मी से राहत, 21 जिलों में तेज आंधी के साथ हुई हल्की हल्की बारिश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, रायपुर समेत आसपास के कई इलाकों में छाए रहे बादल, मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड फोरम की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बेल्ट एंड रोड फोरम के बीजिंग पहुंचे। ईरान समर्थित इराकी फोर्स पर एयर स्ट्राइक, एक की मौत, हथियार सेना की गाड़ी को बनाया निशाना, अमेरिका इसराइल बोले हमले में हमारा नहीं रहा। अमेरिका में भारतीय नागरिक को 5 साल की सजा, डार्क वेब पर ड्रग्स बेचकर कमाए 25,000 करोड़, अमेरिका से ब्रिटेन तक था नेटवर्क। पाकिस्तान में 8,000 करोड़ निवेश करेगा सऊदी अरब, तंगहाली और आतंक के बावजूद पाक की मदद को तैयार क्राउन प्रिंस, भारत से रिश्तों पर पड़ सकता है असर। कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच हुए बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने बेंगलुरु को 1 रन से हराया, आरसीबी की ओर से विल जैक्स ने खेली अर्धशतकीय पारी। विराट कोहली के आउट होने पर बवाल, एम्पायर के निर्णय से नाखुश नजर आए विराट कोहली। पंजाब किंग्स और गुजरात के बीच आईपीएल का मुकाबले में गुजरात की जीत, पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला, 143 रन चेस करते गुजरात ने दर्ज की जीत। इस बार आईपीएल में लगातार टूट रहे हैं कई रिकॉर्ड, अब तक आईपीएल में लग चुके हैं 600 से ज्यादा छक्के। थमने का नाम नहीं ले रहा ट्रेविस हेज और हैदराबाद का तूफान, ट्रेविस हेज की टीम के सामने फ्लॉप नजर आ रही है सारी टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स के 222 रन के जवाब में 221 रन पर सिमट गई थी आरसीबी, टीम को आईपीएल इतिहास में मिली एक बार 1 रन के अंतर से मिली हार। विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ 2 सिक्स लगाए, 7 बॉल पर खेली 18 रन की पारी, विराट आईपीएल में 250 सिक्स लगाने वाले दूसरे भारतीय और ओवरऑल चौथे प्लेयर बने। सुनील नरेन ने आरसीबी के खिलाफ 34 रन देकर 2 विकेट लिया, आईपीएल में पूरे किए 172 विकेट, सुनील नरेन एक टीम से सबसे ज्यादा आईपीएल विकेट लेने वाले बने प्लेयर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17वें सीजन में तीसरी बार 220 से ज्यादा रन बनाए, इससे पहले टीम ने राजस्थान के खिलाफ कोलकाता में ही 224 रन बनाए थे। केकेआर से मैच में मिली हार के बाद वापस मुंबई लौटे क्रिकेटर विराट कोहली, मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखे विराट कोहली, अंपायर के गलत फैसले से आउट होने के बाद मैदान पर काफी नाराज थे कोहली। और खबर फटाफट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए विस्तार न्यूज, नमस्कार।